नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। चीन में कुछ ऐसा हुआ जिससे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। पालतू कुत्ते का मालिक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद कुत्ते ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। ये हादसा हिलोगंजियांग के डांकिंग में घटा। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक गोल्डन रिट्रीवर ने मालिक को छोड़ा नहीं, जब वो बेहोश होकर गिर गई थी। नर्स ने बताया, जब पैरामेडिक्स वहां पहुंची तो कुत्ता मालिक के आसपास टहल रहा था। हमें लग रहा था कि कुत्ता कहीं हम पर अटैक ना कर दे, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो वो मालिक के लिए घबराया हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मालिक स्ट्रेचर पर है और कुत्ता उनका हाथ पकड़ रहा है। एम्बुलेंस में लिटाने से पहले ही वो बैठ जाता है और अस्पताल साथ जाता है। डॉक्टर ने कहा कि हम वैसे एम्बुलेंस में कुत्तों को आने नहीं देते, लेकिन कुत्ता सच में मालिक के लिए चिंतित था, इसलिए हमने उसको आने दिया। अस्पताल की हेड नर्स ने कहा कि जब मरीज को होश आया तो कुत्ता आकर उससे लिपट गया। उसे देखकर हमें लगा कि हमारा फैसला ठीक था। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।